जय माता जी। दोस्तों, मैं दिनेश भाई जोशी आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दिनेश जोशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं और सब्सक्राइबर बटन को भी दबाएं, जिससे आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारे ही बताए हुए किसी वीडियो से हो सकता है कि आपकी ज्योतिष से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता रहेगा। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र तंत्र प्रयोग एक अथाह सागर है, उसको समझ पाना नामुमकिन है। जितना आप समझने जाते हैं उतना आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है। हर समय कुछ न कुछ इसमें से आप लेकर ही उठते हो और उसकी जानकारी लेकर ही आप खड़े होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा तंत्र प्रयोग में उल्लू और वशीकरण तंत्र प्रयोग, कैसे आप उल्लू पक्षी से आप वशीकरण कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो आप सभी ने उल्लू पक्षी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये अक्सर जंगलों में रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लू पाया ही जाता है। और हिंदू धर्म में या यूं कहे पक्षियों में उल्लू का बहुत महत्व है। आपने अपने घर में ही उल्लू देखा होगा, माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हो तो उनका वाहन उल्लू बताया गया है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया गया है। तो धन संबंधी क्षेत्र में भी उल्लू का महत्व है और पक्षी के क्षेत्र में उल्लू अपना बहुत बड़ा महत्व रखता है, स्थान रखता है, अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है उल्लू का। अब इसे देखा जाए तो तंत्र प्रयोग में उल्लू का बहुत महत्व है। उल्लू का तंत्र प्रयोग में उल्लू का शरीर का हर भाग काम में आता है, उसके शरीर का एक एक अंग तांत्रिक प्रयोग के लिए काम में लिया जाता है। तो उल्लू का तंत्र प्रयोग में क्या काम होता है, तंत्र प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके लिए मैं बताऊंगा। उल्लू और वशीकरण, कैसे आप पति पत्नी का वशीकरण कर सकते हो, प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण कर सकते हो, आपसे बड़े किसी अधिकारी का वशीकरण कर सकते हो। अब वशीकरण करना क्यों जरूरी होता है यह भी जान ले, क्योंकि बिना किसी कारण अगर आप कोई क्रिया करते हो, कोई तंत्र प्रयोग करते हो तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी कारण बहुत ज़रूरी होता है कि आपके को ये करना क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है, तो ये कार्य सफल होगा, बाकी सफल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप वशीकरण करें और क्यों करें। अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बात तलाक की नौबत तक की आ गई है, उस डूबते दाम्पत्य जीवन को आपको बचाना है कि भाई मेरा गृह संसार नहीं टूटे, मेरा परिवार नहीं टूटे और मेरे पति पत्नी हम वापस एक हो जाए और हमारा परिवार अच्छे से चले, तो आप वशीकरण कर सकते हो। पत्नी पति पे कर सकती है, पति पत्नी पे कर सकता है। या आप किसी से शादी करना चाह रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके दिल में कोई गलत भावना कपट छल नहीं है, तो आप कर सकते हो। या आपको सरकारी नौकरी या कोई भी सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हो, आपको सरकारी आपकी नौकरी जाने का भय है, राजदंड का भय है, मौत का भय है, तो शत्रुओं को आप कैसे अपने पक्ष में कर सकते हो, कैसे उन्हें अपने आकर्षण कर सकते हो, तो उसके लिए आप वशीकरण कर सकते हो। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उल्लू का वशीकरण कैसे करें। अगर पति पत्नी वशीकरण करना चाहते हैं तो कहीं आप ढूंढे और मरा हुआ उल्लू मिले तो लेके आए, मरा हुआ उल्लू, आपको मारना नहीं है। मरा हुआ उल्लू कहीं पे भी आपको अगर मिले, आपको ये बरगद के झाड़ के आसपास मिल सकता है, किसी निर्जन स्थान, कुएं, पीपल का झाड़, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल सकती है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ लेके आनी है, उल्लू, मरा हुआ उल्लू लेके आना है और उसको शुद्ध गंगा जल में धोके उल्लू का मांस निकाल ले, थोड़ा सा मांस निकाले। और जिसको भी आप वश में करना चाहते हो, पति पत्नी को करना चाहती है, पत्नी पति को वश में करना चाहती है, वो मांस ले ले और मीठे पान में वो मांस मिला के पति पत्नी को खिला दे या पत्नी पति को खिला दे, तो वशीकरण हो जाता है। इसमें ना मंत्र की ज़रूरत है, ना तंत्र की ज़रूरत है, स्वयं सिद्ध वशीकरण है, उससे लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए आपका वशीकरण हो जाएगा। ये करने से भी आपका वशीकरण हो जाएगा। अगर उल्लू की रीढ़ की हड्डी, केसर, कस्तूरी, कुमकुम तीनों को पीस कर तिलक बनाएं और जो ये तिलक अपने सर पे लगाएगा
सामने देखने वाला आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। रोटी पत्नी को मनाने के लिए यह प्रयोग चमत्कारिक है। अगर आपकी पत्नी रोटी हुई है, आपका मुकदमा कोर्ट केस चल रहा है, बात बनने रही है, तो आप ये तिलक लगा के पत्नी के सामने जाओगे तो आपकी तरफ आकर्षित होगी और दौड़ती हुई आएगी। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। और तीसरा प्रयोग, अगर कौवा और उल्लू दोनों पक्षी की विष्ठा लेके गुलाब जल में मिक्स करके उसको चूर्ण जैसा बना दे और उसका जो व्यक्ति तिलक करता है वो जग को मोहित करने वाला होता है, इसका तिलक जो भी देखेगा सामने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा और दौड़ता आएगा। ये बहुत ही बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। और अब आपको एक और प्रयोग बताता हूँ। क्या करना है, उल्लू पक्षी का पंख लेना है, नाखून लेना है और शनिवार की रात 12 बजे पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाए, पूजा करे, नाखून को सिंदूर में भिगो दे, सिंदूर में भिगोकर नाखून और पंख को रख दे, ऐसे के ऐसे 7 दिन रहने दे। अगले शनिवार को वो पंख सफ़ेद कपड़े पर उस व्यक्ति पति पत्नी का नाम लिख दे और कपड़े को जला दे और पंख को गाड़ दे जमीन में। ऐसा करने से भी वशीकरण होगा, आकर्षण होगा और वो दौड़ते आएंगे। उसके अलावा उल्लू का पंख लेना है, उस पर कुछ सिंदूर डाल देना है 11 बार। 11 बार ये मंत्र बोलना है और फोटो का जो इसको आप वशीकरण करना चाहते हो, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमी का, उसकी फ़ोटो के ऊपर उल्लू का पंख रख के उस पर कुमकुम डालना है और 11 बार ये मंत्र बोलना है और फोटो को मोड़ कर दबा दे। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महालक्ष्मी नमो, ओम नमो महालक्ष्मी नमो अमुक वश्य करु कुरु स्वाहा, ओम नमो महालक्ष्मी नमो, ओम नमो महालक्ष्मी नमो अमुक वश्य करु कुरु स्वाहा। अब अमुक आया है, वहाँ पे आपके पति पत्नी का नाम लेना, प्रेमी प्रेमिका का नाम लेना है और फोटो को मोड़ कर ऐसी जगह पे दबा दे और उसके ऊपर वजन रखे, उससे अति शीघ्र वो आकर्षित होकर आपकी तरफ दौड़ते आएंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। ये था मेरा उल्लू पर तंत्र प्रयोग विशेष। इसके अलावा शत्रुनाश के लिए भी उल्लू प्रयोग किया जाता है, दूसरे कई प्रयोगों के लिए भी उल्लू के प्रयोग किया जाता है, वो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊँगा जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा मित्रों, अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें, आप सभी मित्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा, निकाल किया जाएगा, जिससे कि आपका जीवन आनंद मंगलमय हो और सुखी हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। इसी के साथ अब मैं दिनेश भाई जोशी आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।